हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है, यूजीसी नेट से लिया गया है। तो ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल का स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इजी रेफरेंस मॉडल। ओएसआई मॉडल किसने डेवलप किया था? आईएसओ इन 1984। किसने डेवलप किया था? आईएसओ ने किया था इन 1984 में किया था। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सेकंड, इसके किसने डेवलप किया था, इसमें टोटल लेयर कितनी है? 7 इसकी टोटल लेयर है। कितनी लेयर है? 7 इसकी टोटल लेयर है। ईच लेयर परफॉर्म ए पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन। ये आपका डायग्राम है ओएसआई मॉडल का। इसमें 7 लेयर है। ये आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। सेशन लेयर तक आपकी अपर लेयर कहलाती है और ये 4 लेयर आपकी लोअर लेयर कहलाती है। ये साइड में आपका राइट हैंड साइड में प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि एप्लीकेशन पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, प्रेजेंटेशन पे कौन सा यूज होता है, सेशन पे कौन सा यूज होता है, ट्रांसपोर्ट पे क्या यूज होता है, नेटवर्क पे क्या यूज होता है, डाटा लिंक पे क्या यूज होता है, फिजिकल पे क्या यूज होता है। ये वाली चीज़ें ही आपके पेपर में पूछी जाती है इस ओएसआई मॉडल से, कि आपके डाटा लिंक में स्विच यूज होता है या हब यूज होता है, रिपीटर यूज होता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस ये डायग्राम आप लर्न कर लीजिए। अब आपको मैं लेयर वाइज बता रही हूँ। फर्स्ट लेयर क्या है आपका? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अनस्ट्रक्चर रॉ डाटा बिटवीन ए डिवाइस एंड ए फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। ये कन्वर्ट करती है आपकी डिजिटल बिट्स इंटू इलेक्ट्रिकल, रेडियो एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। बिट रेट कंट्रोल इज डन एट द फिजिकल लेयर एंड मे डिफाइन ट्रांसमिशन मोड एज सिंपल, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स है। फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन, फिजिकल लेयर में आप ब्लूटूथ यूज कर सकते हो, कोई केबल यूज कर सकते हो, यूएसबी यूज कर सकते हो और एथरनेट यूज कर सकते हो। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। डिवाइस कौन कौन सी यूज होती है? हब, रिपीटर, मॉडम और केबल। कौन? फिजिकल लेयर में आपकी हब, रिपीटर, मॉडम और केबल यूज होती है। और फिजिकल लेयर में आपके इंफॉर्मेशन किस रूप में होती है? बिट्स के रूप में होती है। बिट होती है आपकी 0 और 1, बिट्स के रूप में होती है। ओके, डाटा लिंक लेयर, सेकंड लेयर आपकी ओएसआई मॉडल की है डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवर ऑफ द मैसेज। कि आपका नोड टू नोड कोई मैसेज डिलीवर करना है तो आपका वो डाटा लिंक लेयर यूज होती है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज मेक श्योर डाटा ट्रांसफर इज एरर फ्री। डाटा लिंक लेयर का ये काम है कि आपका जो मैसेज ट्रांसफर करना है वो बिल्कुल एरर फ्री करना है, नोड टू नोड। यही है इसका। व्हेन ए पैकेट अराइव्ड इन द नेटवर्क इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DLL टू ट्रांसमिट। इट इज द होस्ट यूजिंग द मैक एड्रेस। इसमें कौन सा एड्रेस यूज होता है? मैक एड्रेस यूज होता है। पैकेट इन द डाटा लिंक लेयर, ये पेपर में पूछा जाता है। जो पैकेट होता है डाटा लिंक लेयर में वो किस फॉर्म में होता है? वो फ्रेम के रूप में होता है। फ्रेम के रूप में होता है डाटा लिंक लेयर पे, फ्रेम के रूप में होता है। डाटा लिंक लेयर इज हैंडल बाय द NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, स्विच एंड ब्रिज, ओनली स्विच एंड ब्रिज आपका डाटा लिंक लेयर में यूज होता है। थर्ड लेयर है आपकी नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड द फंक्शनल एंड प्रोसीजर मींस ट्रांसफरिंग पैकेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर कनेक्टेड इन डिफरेंट नेटवर्क। आपके अलग अलग नेटवर्क में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क लेयर की ज़रूरत होती है। इफ़ द मैसेज इज टू लॉन्ग, अगर आपका बहुत बड़ा मैसेज है तो उसमें आप स्प्लिटिंग करके, मतलब उसको डिवाइड करके मैसेज को फिर सेंड किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे टुकड़े करके आपको सेंड किया जाता है। सेगमेंट इन नेटवर्क लेयर इज रेफरेंस एज ए पैकेट के रूप में। नेटवर्क लेयर इज इम्प्लीमेंट बाई नेटवर्किंग डिवाइस सच एज राउटर।
ठीक है। इसमें कौन सा यूज होगा नेटवर्क लेयर में? राउटर यूज होगा। ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट लेयर आपकी है लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको इस नेम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन लेयर एंड टेक सर्विस फ्रॉम नेटवर्क लेयर। द डाटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफरेंस टू अ सेगमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवर ऑफ द कंप्लीट मैसेज। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिट द डाटा इफ एन एरर इज फाउंड। डाटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड द सेगमेंट। लेयर नंबर 5 सेशन लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन मेंटेनेंस ऑफ सेशन। मतलब आपका अच्छे से सेशन चल रहा है या डिसकनेक्ट हो गया या कब सेशन स्टार्ट करना है और कब सेशन एंड करना है और किसको सेशन पे रखना है, ऑथेंटिकेशन लगाना है, इसको सिक्योरिटी लगाना है, ये सब आपकी सेशन लेयर काम करती है। ठीक है कि कनेक्शन कब आपको कनेक्ट करना है, इसका कब आपको रद्द करना है, कब एंड करना है, कब स्टार्ट करना है, ये सब सेशन लेयर का काम है। दिस लेयर अलाउ ए प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट है। ठीक है कि आपका सेशन कब कंप्लीट हुआ है वहाँ पर या आपका सेशन कब एंड हुआ है वहाँ आपको एक चेक पॉइंट लगा दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपका उसी चेक पॉइंट से आके काम चले, एरर होने के चांसेस नहीं होते। फिर सेशन लेयर अलाउ टू सिस्टम टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद ईच अदर इन हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर। दिस लेयर इज मैनिपुलेट डाटा एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। ट्रांजेक्शन फॉर द एग्जाम्पल ASCII और टू EBCDI। डाटा इनक्रप्टिड। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? डाटा इनक्रप्टिड करके करती है, रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट को रिड्यूस करती है, जो एक्स्ट्रा है उनको डिलीट कर देती है, डाटा को इनक्रप्टिड करती है सिक्योरिटी के रूप में। और जो भी आपका डाटा है वो ASCII इसमें ट्रांसलेट करती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है आपके लेयर नंबर 7 एंड लास्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज द OSI लेयर क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर, विच मीन्स बोथ द OSI एप्लीकेशन लेयर एंड द यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या लेयर क्या होती है? जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वही हमारी एप्लीकेशन होती है OSI लेयर। ओके, ये रिपीट कर दिया मैंने दोनों टाइम, सेम ही टाइप कर दिया। ठीक है, ये सबसे टॉप की लेयर होती है आपकी OSI मॉडल में। थैंक यू गाइस।